हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। तो 100 वीडियो चैलेंज का ये 11th एपिसोड है और आज हम लोग आए हैं सादत अली खां के मकबरे के पास। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पीछे तो कुछ नहीं है, मेरे पीछे नहीं है, अगर इधर दिखाएंगे तो इधर है मकबरा। तो ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। और यहाँ आने का कोई टिकट चार्ज नहीं है, ना ही कोई पार्किंग का चार्जेस है। मैंने जो एंट्री करी थी यहाँ से करी थी, आपको दिखा देते हैं। ये सामने गेट दिख रहा होगा, छोटा सा गेट है, यहीं से आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जैसे ही आप जाएंगे बिल्कुल आपको सामने का व्यू बहुत बेहतरीन आता है। तो गाइस चलिए इस टॉम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभिषेक भाई इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। अभिषेक भाई बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कहते हैं सादत अली खान का मकबरा। जो उनकी जो डेथ हुई थी तो उनके बेटे ने जो है, इसका नाम था गाजीउद्दीन हैदर, उसने इसे बनवाया था अपने पापा की याद में, पिता की याद में। तो जान लेते हैं कि सादत अली खान का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1700 AD में समथिंग कुछ पर, जब वो मतलब अपने वजूद में आए और जब वो यहाँ के 6th नवाब बने, वो अवध के 6th नवाब थे। और उस समय साल था 1752 में वो यहाँ के नवाब बने। और उनके जो पिता थे शुजाउद्दौला, वो भी यहाँ के पहले नवाब, तो वो यहाँ के 5th नवाब थे। तो उन्हीं की याद में मकबरा बनाया गया था। और माना जाता है कि उस टाइम उनके पास जो है ना, उनकी जो टोटल रेवेन्यू था इनका 1,35,00,000 था। और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम के हिसाब से। और ये भी माना जाता है कि उनके पास 80,000-30,000 की आर्मी थी अपनी खुद की। आप खुद सोचते 80,000-30,000 उस टाइम के हिसाब से बहुत थी। और इस मकबरे के साथ में ही एक और मकबरा बना हुआ उनकी वाइफ का मकबरा, जो दो इस साइड आप देख सकते हैं। एक ये मेरे पीछे रहा और एक वो पीछे वहाँ। और इनका फुल जो नाम था, आपने मैंने आपको जैसे बताया ही होगा, उनका नाम था यामीनुद्दौला सादत अली खान, इनका फुल नेम ये था। और साथ में इनके सेकंड भी लगता था, क्योंकि इनसे पहले एक और सादत अली खान थे पर वो उतने पॉपुलर नहीं थे और वो नवाब नहीं बने थे। तो ये था। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1752 से लेके 1798 तक था। और 1814 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उनका ये मकबरा बनाया गया, जो उनके बेटे गाजीउद्दीन हैदर ने बनाया था। उसके बाद उसे क्राउन प्रिंस यहाँ का बनाया गया था, उसका राज अभिषेक करके उसे यहाँ की जो है क्या कहते हैं राजपाट दिया गया था। और उसने यहाँ को संभाला था और काफ़ी कुछ उसने अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए बहुत कुछ बनाया था। और अभिषेक पार्क एक बना दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी जान लेंगे कि जो सादत अली खान थे वो किस मतलब रिलीजन से वो रखते थे। वो पर्शियन इस्लाम शिया मुस्लिम थे और वो बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनका जो कहना था कि वो सभी को बराबर मानते थे, ये जो है किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। तभी उनके जो है उनके राज में कभी भी विद्रोह आपने नहीं सुना होगा, कि आपने लखनऊ में किसी लखनऊ हिंदू मुस्लिम का कोई वॉर सुना हो या कोई लड़ाई हुई हो, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। साथ ही में उनके जो पिता थे शुजाउद्दौला, वो भी काफ़ी अच्छे थे। पर थोड़ी बहुत लोगों की गलतियाँ रहती हैं, तो उसके आप पूरी कम्युनिटी को बुरा तो नहीं कह सकते ना। अवध के जितने भी नवाब यहाँ के बने थे, सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें जरूर बनवाई थी। सभी ने बनवाई है, भली उन्होंने मंदिर तक बनवाए थे, एक छोटी सी छोटी चीजें बनवाई है। तो चलिए अब यहाँ के पहले आप कुछ जाइए सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करके आइए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखते हैं पीछे कोई एंट्रेंस होगा तो उससे अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा लगता है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और व्यू दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जूते उते आप बाहर उतारिए, अंदर नहीं पहन के आना अलाउ नहीं है। यहाँ से पर डिज़ाइन देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी कर रखी है। और ये अवध का आपको लोगो तो सामने देख ही रहा होगा, सामने जो हर जगह बना है यहाँ पर। तो यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है, आप इधर से देख सकते हैं यहाँ से टॉम का। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करते सामने टॉम पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, जैसे एंट्री करते तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा लगता है।
गाइस अभी हम लोग टॉम के अंदर से घूम के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से साइड का व्यू देख सकते हैं, साइड से भी काफ़ी बढ़िया लगता है और यहाँ पे प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रखी है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और पेड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं और इनकी खुद की नर्सरी है जो कि पीछे वाल पीछे की तरफ है इनके और यहाँ पाँच लोगों की टीम है। पर यहाँ पे ये है कि लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी पार्क में आकर जो भी आप लोग खाया करिए तो वेस्टेज जो मटेरियल है आप अपने साथ लेके जाया करिए या फिर डस्टबिन में डाला करिए, यहाँ पे ऐसे ना फेंका करिए क्योंकि देख सकते हैं ये देखिए तब और भी काफ़ी जगह थे, अभी मैंने वो आपको दिखाया नहीं। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉम की तरफ, तो वहाँ चलते वहाँ चल के दिखाते वो कैसा है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे टॉम की ओर और ये सादत अली खां की जो वाइफ थी उनका ये टॉम बनाया गया है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है पर ये जो पहले वाले से छोटा है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पीछे दी गई है, यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा आराम से। तो अभिषेक भाई इसके बारे में कुछ बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको किले के बारे में बताएंगे, एक्चुअल में पहले क्या था, पहले जो था ये जो गाजीउद्दीन हैदर थे ये उनका घर था रिमास, गाजीउद्दीन हैदर इसमें रहते थे पर आफ्टर छोटा रिमास जी हाँ, पर वो भी शुरुआती दौर के अच्छा, प्रिंस थे ना अच्छा। अभी राजा बने नहीं थे अवध के, तो उस टाइम पर उनका ये घर हुआ करता था। जब उनकी माता की डेथ हुई तो उन्होंने जब अपने पिता का वहाँ पर जो टॉम बनाया उसी के पास थोड़ी जगह अपने जो उनका किला था उसमें अपनी माता का भी जो इन्होंने ये बनवा दिया कब्र उनकी, तो ये जो है उनका नाम था खुर्शीद जायदी, तो उनकी उनका ये मकबरा है और माना जाता है कि इस उनकी माता की मकबरे के साथ साथ उनकी जो पुत्री है की मतलब गाजीउद्दीन हैदर की जो सिस्टर थी उनका भी अंदर ही मकबरा है ऐसा माना जाता है, बहुत लोगों का कहना है। और साथ ही में जो गाजीउद्दीन हैदर थे उस समय जब प्रिंस बने थे तो ये दोनों का निर्माण एक साथ ही इन्होंने करवाया था, इस किले को जो है मकबरे के तौर पर जो है मान लिया गया कि अब उसको कर दिया गया और यह फिलहाल बंद रहता है, तो इसके अंदर तो एंट्री मुश्किल ही शायद अलाउड है, इसके अंदर नहीं एंट्री है तो इसके अंदर मैं नहीं दिखा पाऊंगा। पर वो जो मेन मकबरा है सादत अली खां का जो मेन मकबरा है तो वहाँ की जो टाइमिंग है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ही खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद गेट नहीं खुलते। तो मेरे को कैसे एंट्री मिल गई थी तो मैं अंदर जाके आपको दिखा दिया, पर आप लोग समय का जरूर ध्यान रखिएगा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, तब तक जाइए इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करके आइए। अभी हम लोग ने दोनों टॉम को यहाँ एक्सप्लोर कर लिया है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने आप तक पहुँचाई वीडियो में, बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर आ रहा है, क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल का नाम आना भूलिएगा, इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे फ्लैश हो रहा है वहाँ जाकर फॉलो कर लो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है आपको वहीं देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।